दोस्तों एशियाटिक लिली के बल्ब को आप इस तरह से सेव कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही इसका सीजन ऑफ हुआ मैंने इसे यहाँ से पूरा काट दिया था और इसकी पत्तियाँ देखिए सूख गई थी, इसी वजह से मैंने इसे यहाँ से कटिंग कर दी थी और मैंने इस तरह के प्लास्टिक पॉट में लगाकर इसे इंडोर सेव करके रख दिया। और उसके बाद मैंने इसमें बहुत कम मात्रा में देखिए पानी दिया हुआ है और मैंने देखा कि इसमें नई नई ये देखिए पत्तियाँ आ रही हैं। इसका मतलब है कि नीचे बल्ब बनना तैयार हो गए हैं और नेक्स्ट सीजन में हम इसे ईजिली ग्रो कर सकेंगे। सबसे बेहतर उपाय यही है कि पानी कम दीजिए, बल्ब को सेव करके इंडोर में आप रख दीजिए, तो नेक्स्ट सीजन के लिए आपके एशियाटिक लिली के बल्ब इजिली तैयार हो जाएंगे। इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय फ्रेंड्स।